नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मिनिमलिस्टिक बुलेट जर्नल लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मेरी नेक्स्ट बुलेट जर्नल वीडियो मिनिमलिस्टिक होगी, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। बिना कोई समय गवाए चलो वीडियो स्टार्ट करें। हर बार की तरह हम सबसे पहला स्प्रेड एक मंथली स्प्रेड बनाएंगे, तो ये केस में मैं नवंबर मंथ का स्प्रेड बना रही हूँ। तो सबसे पहले नवंबर को हम कैलीग्राफी में लिखेंगे और उसको ब्लैक स्केच पेन की मदद से हाईलाइट करेंगे और 2020 भी लिखेंगे और उसको भी ब्लैक स्केच पेन की मदद से हाईलाइट करेंगे। फिर हम डेज ऑफ वीक लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे वगैरह वगैरह। और इन सबको मैं कैलीग्राफी में लिख रही हूँ, तो मेरी कैलीग्राफी की वीडियो चेक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर ग्रिड बना लेंगे हमारे मंथ के लिए, तो इस तरह से मैं एक ग्रिड बना लूँगी। आप ग्रिड के बिना वाला कैलेंडर भी बना सकते हैं, बट ग्रिड का एक ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होता है कि आप इजीली उसको विजुलाइज कर पाएंगे अपने डेज को। फिर हम नीचे के सेक्शन को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पे तीन सेक्शन डिवाइड कर रही हूँ। पहला सेक्शन होगा जिसमें मैं मेरे कॉलेज के गोल्स और टास्क लिखूँगी, उसको भी इस तरह से कैलीग्राफी से लिख लूँगी। जो सेकेंड सेक्शन होगा वो मेरा यूट्यूब सेक्शन होगा, वहाँ पे मैं यूट्यूब के वीडियोस के टास्क और आइडियाज़ वगैरह सब लिस्ट करूँगी। और जो थर्ड सेक्शन है वो मेरा लैंग्वेज सेक्शन है, मैं अभी एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रही हूँ, तो उसके जो भी गोल्स होंगे उसको मैं उधर लिखूँगी। तो मैं लास्ट टाइम जिस तरह से मैंने वो क्रिस्टल वाले वीडियो में यूज़ किया था कि बड़े बड़े फॉन्ट्स में हम नंबर्स लिखे और उसके ऊपर फिर हम टेक्स्ट लिख पाएंगे, वो बहुत अच्छा वे है, तो इस बार भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे ताकि ये थोड़ा और ब्यूटीफुल लगे। तो ये हो गया हमारा नवंबर 2020। तो मैं इस वीकली स्प्रेड के लिए मैं एलिस्टर मेथड यूज़ कर रही हूँ। इस मेथड में हम क्या करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को इस तरह कॉलम में असाइन कर देते हैं और टास्क को एक साइड पर इस तरह से लिखते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए एक कॉलम बना लेते हैं। फिर जहाँ पे हमारा टास्क है वहीं पे हम हमारे डेली टास्क लिखते रहेंगे और उसको कब करना है, उसको मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे कब करना है, वो इन डॉट्स की मदद से हम मेंशन करने हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है डेली जर्नलिंग, वो मुझे डेली करना है, तो मैं हर दिन को उसको असाइन कर रही हूँ। फिर एक्सरसाइज है, उसको भी डेली करना है, तो हर दिन को असाइन कर रही हूँ। उस तरह से आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग डेज पे असाइन कर पाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और ये मेथड है जो कारा बेंस ने अपने यूट्यूब वीडियो पे मेंशन किए हैं, मैंने उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है, आप उसको चेक कर लेना अगर आपको थोड़ी और इंस्पिरेशन चाहिए, उसके वीडियोज़ बहुत अच्छे होते हैं। मैं दूसरे साइड पे भी ऐसा ही एक सेक्शन बना रही हूँ, तो जब ये साइड ख़त्म हो जाएगा मैं दूसरे साइड शिफ्ट कर सकूँगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्प्रेड है वो मेरा डेली स्प्रेड रहेगा, तो इस स्प्रेड में मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ, टाइम ब्लॉकिंग। तो पहले हम एक ग्रीन स्केच पेन की मदद से हम इस तरह से सर्कल्स बना लेंगे, इसमें मैं फिर डेट्स डालूँगी, तो थोड़ा उसको हाईलाइट करने के लिए इस सर्कल्स बना रही हूँ और उसमें ग्रीन स्केच पेन से कलर फिल कर रही हूँ। फिर साइड पे इस तरह से हम जहाँ कैलेंडर बनाएंगे उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, फिर इन सेक्शन को डिवाइड कर लेंगे ताकि हम इजीली टाइम ब्लॉकिंग के लिए एरिया क्रिएट कर सकें। तो अब हम हमारा कैलेंडर पूरा कर लेते हैं, तो 11th मंथ लिखेंगे, नवंबर और 2020, और कैलेंडर को फिल कर लेंगे।
फिर मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लिखेंगे और टास्क। तो ये सेक्शन पूरा टास्क के लिए होगा। फिर मैं नंबर्स देना स्टार्ट करूँगी इन सर्कल्स में और हर एक सर्कल के अगेंस्ट उसके डे डाल दूँगी। फिर हम इसको टाइम में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं 6 to 12 हर एक घंटे के लिए एक एक ब्लॉक को असाइन कर रही हूँ। तो अब हम समझते हैं कि हम टाइम ब्लॉकिंग कैसे करेंगे। तो जिस तरह से मैंने इन सब को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है 6 to 12 मतलब सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक हर एक घंटे को मैंने एक एक स्लॉट दे दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें अगर हमारी कोई अपॉइंटमेंट है या हमारे क्लास है या कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसको हम टाइमली मैनर में उसको ब्लॉक कर पाएंगे। तो हमें पता रहेगा कि ये टाइम में हमें ये करना है और हमें पूरे दिन में कितना टाइम हमारे पास कुछ और चीज़ करने के लिए बचता है वो हम इससे पता लगा सकते हैं। और जो भी इसमें हम हाईलाइट करेंगे तो वो हमें पता रहेगा कि ये इस टाइम पर असाइंड है तो हम इसको भूलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से मैं मेरे टाइम टेबल को मैं ब्लॉक कर रही हूँ इसमें। तो ये मेरा डेली टाइम टेबल है। एक और चीज़ आप लोग ने नोटिस कर रही होगी कि मैं अलग अलग कलर्स यूज़ कर रही हूँ टाइम को ब्लॉक करने के लिए। इससे क्या होता है कि हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये कौन सा पीरियड है या इस टाइम पे हमें कौन सा काम करना है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली हमारा टाइम सिस्टम तो है रेडी। तो जहाँ जहाँ मैंने कलर किया है स्लॉट को वहाँ पे मैं मेरे क्लासेस यानी लेक्चर्स के नाम लिख रही हूँ। और इसी तरह से आप कोई भी अपना टाइम ब्लॉक कर सकते हैं। आपको वीकेंड्स पे कहीं जाना है ऐसे कुछ इवेंट्स वगैरह सब इजीली ब्लॉक कर सकेंगे। तो बनने के बाद हमारे स्प्रेड्स कुछ ऐसे दिखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। एंड हैप्पी प्लानिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।